पहले एमसीक्यू से, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट टू चेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर सेशन ऑफ 1925। तो पहली वुमेन, पहली औरत कौन थी वो प्रेजिडेंट जिसने चेयर करा, संबोधित करा इंडियन नेशनल कांग्रेस को कानपुर सेशन में 1925 में। सो ऑप्शंस आपके सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नीली एंड फोर्थ है आपका इंदिरा गांधी। सेन गुप्ता, सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट एंड सरोजनी नायडू। सो आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, आंसर सोचिए। द आंसर इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रेसिडेड मतलब अध्यक्षता। सरोजनी नायडू प्रेसिडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर सेशन इन 1925। तो 1925 के कानपुर सेशन की अध्यक्षता करी सरोजनी नायडू मैम ने। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग चार्टर एक्ट्स एंडेड द कॉमर्शियल मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन से चार्टर एक्ट ने एंड करी कॉमर्शियल मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट वन चार्टर एक्ट्स ऑफ 1793, सेकंड वन चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813, थर्ड वन चार्टर एक्ट्स ऑफ 1833 एंड द फोर्थ वन इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813 में क्या था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का एक एक्ट था विच रिन्यूड, वो जिसने रिन्यू किया चार्टर इशूड जो हुए थे, ठीक है, टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंटिन्यूड द कंपनीज रूल इन इंडिया। ठीक है, तो रीशू करा जो चार्टर एक्ट थे उनको रीशू करा, दोबारा से लागू करा, और फिर क्या करा उसने, जो कंपनी का रूल था इंडिया में उसको बनाए रखा, बरकरार रखा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में रहेगा। हाउएवर द कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली वॉज एंडेड। जैसा कि हमने एमसीक्यू के यहाँ डिस्कस करा कि चार्टर एक्ट के आने से क्या हुआ, जो कॉमर्शियल मोनोपोली थी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो टी ट्रेड एंड द ट्रेड, जो चाय का ट्रेड था और जो अदर ट्रेड थे वो चाइना के साथ थे वो बने रहे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो आपका ब्रिटिश पावर का था वो ग्रोथ को बढ़ा दिया, क्योंकि ट्रेड करने लग गए थे अपना इंडिया से चाइना में, एक्सपोर्ट करने लग गए थे चाय को, और अदर ट्रेड्स भी थे चाइना के साथ। सो उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश पावर की ग्रोथ हो गई इंडिया में, क्योंकि चाइना को जब वो सप्लाई करते थे वहाँ से अर्निंग होती थी उनकी, और इस कारण क्या हुआ था, जो ब्रिटिश पावर थी उसको ग्रोथ मिलने लग गया, ठीक है, इंक्रीज होने लगी ब्रिटिशर्स की पावर इंडिया में। सो चार्टर एक्ट 1813 में ही मोनोपोली, कॉमर्शियल मोनोपोली ख़त्म हुई थी, लेकिन टी ट्रेड एंड कुछ अदर ट्रेड्स थे वो चाइना के साथ फिर भी चल रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पेशल कलकत्ता सेशन 1920 इन विच महात्मा गांधी मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय। तो जो स्पेशल सेशन था 1920 का, जिसमें महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बात रखी, वो किसकी अध्यक्षता के हेल्प से सक्सेसफुल रहा, ठीक है, मतलब मूवमेंट होने में कामयाब रहा कि हाँ भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट होगा किसकी अध्यक्षता में। सो ऑप्शंस आपके सी आर दास, बी सी पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। सो आपके 5 सेकंड्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, लाला लाजपत राय। स्पेशल कलकत्ता सेशन 1920 इन विच महात्मा गांधी मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन वॉज प्रिसीडेड बाय लाला लाजपत राय एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय अदर्स। तो 1920 के कलकत्ता सेशन में महात्मा गांधी ने क्या करा, नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रखने की बात कही और उस नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन की अध्यक्षता करी
लाला लाजपत राय ने और उनके साथ ही कुछ अदर सपोर्टर्स भी थे। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च फॉर टू मेजर इशू, दो मेजर इशूज थे जिनके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा। पहला, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द खलीफत मूवमेंट। तो उस समय खलीफत मूवमेंट भी चल रहा था, अली ब्रदर्स के द्वारा खलीफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड खलीफत मूवमेंट के लिए ठीक नहीं था, इसलिए साथ ही में खलीफत मूवमेंट के सपोर्ट में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च करना पड़ा। सेकंड, इट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट पीपल ऑफ पंजाब। इसमें इस फेलियर हुआ था, जो पंजाब के लोग थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फेलियर हुआ था, इस कारण भी आपका ये एक मेजर इश्यू था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ। सो आगे बढ़ते हैं, द फेमस बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय। तो किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है B.R. अंबेडकर, सेकंड है नारायण गुरु, थर्ड है ज्योतिबा फूले, एंड द फोर्थ वन इज M.P. पिलाई। सो यू हैव 5 seconds। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ज्योतिबा फूले। ज्योतिराव, ज्योतिबा फूले का फुल नेम था ज्योतिराव गोविंद राव फूले। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले, इनको शॉर्ट पेट नेम निक नेम टाइप का बुलाया जाता है, तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले इनका फुल नेम था। महात्मा वॉज बॉर्न इन पुणे, इनका जन्म पुणे में हुआ था। वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ये बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर थी। ही डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स। तो अमेरिकन मूवमेंट के लिए ये बुक लिखी गई थी गुलामगिरी, जो आपने गुलामों टू फ्री स्लेव, तो अब गुलामों को फ्री करने के लिए। ठीक है, ही लिंक द कंडीशंस ऑफ द बैक स्लेव्स, कंडीशंस उन्होंने उस बुक में बताई थी कि ब्लैक स्लेव्स की कंडीशन क्या होती है अमेरिका में, विद दोज ऑफ लोअर केस इन इंडिया। ठीक है, तो उनकी कंडीशन उन्होंने लिंक कर रहा था कि जो ब्लैक स्लेव्स होते हैं इंडिया में उनकी कंपैरिजन को कंपेयर कर रहा था जो इंडिया में लोअर कास्ट के लोग रहते थे, निचली जाति वाले लोग रहते थे। दिस कंपैरिजन कंटेंट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द होप दैट वन डे इन इस कंपैरिजन में एक एक्सप्रेशन था कि एक दिन लाइक द एंड ऑफ द स्लेवरी इन अमेरिका, कि अमेरिका में गुलामी का अंत होगा। देयर वुड बी एन एंड टू ऑल शॉर्ट्स ऑफ द केस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। और यही एक्सपेक्टेशन थी कि इंडियन सोसाइटी में भी जो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के नाम पे, जातिवाद के नाम पे भेदभाव होता है, वो भी इंडियन सोसाइटी में ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे कि स्लेवरी इन अमेरिका में ख़त्म होने की एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ फ्लैग कमेटी। तो फ्लैग कमेटी के प्रेजिडेंट कौन थे? तो ऑप्शंस आपके B.R. अम्बेडकर, G.B. कृपलानी, K.M. मुंशी, D.P. खेतन। ठीक है, सो आपके पास 5 seconds है। तो द करेक्ट आंसर इज J.B.